नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। एंड आई एम श्योर आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो इंग्लिश ग्रामर की है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इज़ेमार। ये स्टार्टिंग में जो बच्चे सीखते हैं ना फर्स्ट टाइम, ये उनको इंट्रोडक्शन के लिए है, फर्स्ट क्लास की बुक है। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इज एम एन आर टेल अस अबाउट नाउ। जो इज एम आर जो वर्ड है वो हम आपको प्रेजेंट की बात बताते हैं कि अभी इस टाइम क्या हो रहा है। दे डू नॉट शो एक्शन, वो एक्शन नहीं बताते कि क्या हो रहा है, क्या हुआ या आप क्या कर रहे हो। ओके, वी यूज़ इज एन एम टू टेल अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इज और एम कब यूज़ होता है? वन पर्सन के लिए, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। लेकिन वो एक सिंगल चीज़ होती है ना उसके लिए। जो ए एम एम है वो तो आप सबको पता है कि आई के साथ ही यूज़ होता है। तो हम इज़ के लिए कह सकते हैं कि जैसे ही, शी, इट, इसके साथ क्या यूज़ होगा? इज़। एंड वी यूज़ आर टू टेल अबाउट मोर देन वन। जब हमें किसी एक से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो क्या यूज़ होगा? आर, ए आर ई आर। विद द वर्ड आई वी यूज़ एम, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि आई वर्ड के साथ ए एम एम यूज़ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अ शिप इज़ बिग, एक बहुत बड़ा शिप है, वो बहुत बड़ा है। तो शिप एक है ना, तो क्या लगा यहाँ पे? आई एस इज़। एलिगेटर्स आर बिग, एलिगेटर्स मतलब बहुत सारे एलिगेटर्स हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है? ए आर ई आर, ठीक है। डिफरेंस देखिए, शिप एक था, एलिगेटर्स एस लगा है ना, यानी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ए आर ई आर, एलिगेटर्स आर बिग। आई एम शॉर्ट, आई, आई के साथ हमेशा ए एम एम लगेगा। आई किसके लिए होता है? सिंगल के लिए ना। I am short. Okay. Now, circle the word that makes each sentence correct. अब यहाँ पर कुछ आपको sentences दिए गए हैं, उनको पहले आप read करेंगे और फिर बताएंगे कौन सा option आपका correct है, उसको circle करेंगे। यहाँ पर already बच्चे निकल रखा है तो हम देख लेते हैं। First है हमारा I, am या is, ठीक है, इन दोनों में से आएगा। In the classroom, तो आई के साथ क्या लगता है? एम, तो हम एम को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है द वाटर इज़ और आर कोल्ड इन द पॉन्ड, तो क्या आएगा? द वाटर है, इज़ आएगा, ठीक है। वाटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज़। द सन इज़ और आर वॉर्म, सन के लिए क्या यूज़? सन एक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज़। ग्रैंड पेरेंट्स इज़ और आर इन द गार्डन, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो आपको पता है ना, एक होते हैं या दो होते हैं? आपके एक से ज़्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए आर ई आर। गौरी इज़ और एम ऑन द स्विंग, गौरी कौन है? एक लड़की है जो स्विंग पर है, यानी झूला झूला झूल रही है, तो उसके लिए हम एम लगाएंगे या इज़? ऑफ कोर्स नॉट एम, बिकॉज एम यूज़ विद आई ओनली, सो वी यूज़ इज़ हेयर। ओके, नेक्स्ट है राघव एंड रोशन इज़ और आर गुड फ्रेंड्स, राघव और रोशन दो लड़के हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उसमें क्या यूज़ होगा? इज़ और आर, ऑफ कोर्स आर यूज़ होगा, क्योंकि ये दो आ गए ना। सिर्फ राघव होता तो हम इज़ लगा देते, या रोशन होता तो सिर्फ हम इज़ लगाते। यहाँ पे टू बॉयज़ के नेम मेंशन किए गए हैं ना। कंप्लीट द सेंटेंस यूज़ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमको इज़ आर या एम में से कुछ लगाना है। आई एम एन एलिफेंट, आई के साथ एम। आई एम टॉल, आई के साथ एम। माई लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, लेग्स टांगे होता है ना, माई लेग लिखा होता सिर्फ तो यहाँ पे हम इज लगा सकते थे, अब यहाँ पे लेग्स हैं तो आर लगेगा। वैसे ही माई ईयर्स आर लार्ज, माई ट्रंक इज़ लॉन्ग, ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? सूंड, इसके देखिए सूंड, तो सूंड तो एक ही होती है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज़। माई टस्क आर वाइट, टस्क मीन्स टीथ को बोलते हैं ना,
टी तो एक से ज़्यादा होता है, तो क्या लगाएंगे, ए आर ई आर। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस एम आर का। थोड़ा इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, इस एम एन आर यूज विद डूइंग वर्ड्स शो दैट एन एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग। अब ये किस चीज़ के साथ यूज़ होते हैं ना, इस एम एन आर एक्शन के लिए तो नहीं हम करते ना यूज़, लेकिन जो वर्ड एक्शन हमारा दिखाते हैं उनके साथ इनको यूज़ किया जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, आई मीन्स मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो वेट करना, वेटिंग, ये क्या है, एक्शन, ये हमारा एक्शन बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं। तो ये एक्शन है, डूइंग वर्ड्स है, तो इसके साथ आई लगा है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। अगर यहाँ पर वी लगा होता ना तो क्या लगता, वी आर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, क्या आई के साथ एम लगना है, ही शी इट के साथ इज लगना है, वी के साथ आर, दे के साथ आर, एंड यू के साथ भी आर लगेगा। निशी इज़ ड्राइंग पिक्चर्स, एक है निशी। महेश एंड गणेश आर प्लेइंग चेस, दो बॉय हो गए ना, तो आर लगेगा। ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनको पिक्चर्स को देख के वहाँ पर आपको डूइंग वर्ड्स लिखने हैं। डूइंग वर्ड्स समझ आया ना आपको, क्या होते हैं डूइंग वर्ड्स? डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है जो काम। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, क्योंकि अभी ये खा रहे हैं। ये स्कीपिंग, एस के आई डबल पी आई एन जी, स्कीपिंग। और ये क्या कर रही है, पेंटिंग, पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग। एंड ही इज राइटिंग, W R I T I N G। जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, उसमें ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है, रन कर रहा है ना, यहाँ पे रनिंग आएगा, R U डबल N I N G, रनिंग। और ये चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे वॉकिंग आएगा, W A L K I N G, वॉकिंग, है ना। बहुत इजी है ये आपके डूइंग वर्ड्स, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से आ जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है ना इसमें, तब जाके आपको समझ आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो कैसे आएगा, है ना। देखिए ये क्या है, ये प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग। और ये क्या कर रही है, चॉपिंग, सी एच ओ डबल पी आई एन जी, चॉपिंग। तो ये सब क्या थे, डूइंग वर्ड्स, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो शो करते हैं एक्शन जो कंटिन्यूइंग में है, जो चल रहा है। ओके, डूइंग वर्ड शो दैट एक्शन विच इज़ कंटिन्यूइंग। आई होप आपको इज एम आर और डूइंग वर्ड्स थोड़ी सी समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनके पास पहुंच सके। और इसी तरह से मेरी वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स, अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और मेरे चैनल में न्यू है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching my video, friends. Take care.